अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज ब्लॉक इकाई केशकाल और फरस गांव के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक गतिविधियों के बारे में कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से सुरडोंगर प्रिय दर्शनीय स्टेडियम में वार्षिक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केशकाल विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत समाज के अन्य पदाधिकारी व प्रमुख जन शामिल हुए थे, जहां सर्वप्रथम सभी अतिथियों का तिलक चंदन लगाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने शिव मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद संत शिरोमणि भक्त माता कर्मा माता की पूजा व आरती कर नवनिर्मित मां कर्मा भवन का विधायक संत राम नेताम के हाथों लोकार्पण किया गया। वहीं विधायक ने ग्राम गारका में साहू समाज के नवीन भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की सौगात दी। साहू समाज के द्वारा वार्षिक उत्सव का ये कार्यक्रम रखा गया था। इनका पूरा जो वर्ष में एक बार वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें आज नगर पंचायत को चुना गया। हम लोग सब साथी लोग आए और बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे साहू समाज के लोग अपनी रीति, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के हिसाब से वार्षिक सम्मेलन में भाग लिए। और कहीं ना कहीं साहू समाज एक बुद्धिजीवी समाज है, मेहनती समाज है। मैं हर मंच में कहता हूँ, और हमारे मित्र हमारे जिलाध्यक्ष साहू जी हैं, जिनका जो समाज को संचालन करने का जो तरीका होता है वो एक नई समाज को दशा देता है। तो निश्चित तौर पे आज हम लोग आए और समाज के लोगों ने हमको भव्य स्वागत भी किया, सम्मान भी किया, और आज इनके लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपया जो गारका में एक नई भवन बनेगा, जहाँ पर समाज के नियमावली होगा, वहाँ पर समाज के जो न्याय और जो उनके नियमावली होता है उसमें विचार होगा, और आज उसकी हमने घोषणा।